इंसराफा एसोसिएशन की तरफ से इस सारे व्यापारियों को जो म्यूनसिपल और गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों को हाथ पहुंचाई जा रही है, हमारी सभी दुकानों के सामने वेंडर्स को बिठा के हमारी दुकान का धंधा और सब चौपट किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने धरना रखा है। इस सीधे सीधे ये सरकार की हमारे पे जाती है में हमने धरना रखा है। सॉरी जी, हमारा डिमांड ये है, हमारी दुकान इतनी खूबसूरत दुकानें हम बनाए हैं, इसके सामने आप लोग ठेला बंडी लगा के सारी दुकानों का धंधा चौपट कर रहे हैं, दुकानों की खूबसूरती चौपट कर रहे हैं। एक नाम पे तो पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट के नाम पे आप चार मीनार को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी दूसरी तरफ आप हमारी दुकानों के सामने ये बंडियों को और ये वेंडर्स को लगा के आप दुकानों के साथ साथ पूरे चार मीनार की खूबसूरती भी खराब कर रहे हैं। ये सीधे सीधे हमारे पे जाती कर रही है गवर्नमेंट, हमारे धंधे को खराब करने का ये सीधी सीधी साजिश है। माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम हमारी गवर्नमेंट को समझा रहे हैं कि भाई ये सीधा सीधा आप व्यापारियों को सता रहे हैं, ऐसा मत करिए। हम लोग आम जनता है, जैसे आप सबको देखते हैं वैसे हमको देखिए। ये सीधे सीधे आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको हर्ट कर रहे हैं। कुछ दिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा रहेंगे? आप कुछ दिन का समय मांग रहे हैं, ये तो वो बात हो गई। आप खुद का खाना खाने के लिए, दूसरे का खाना छीन के खाने के लिए आप ये कहाँ तक समझदारी की बात है? आप 3 महीने, ठीक है 3 महीने हम दुकान बंद कर देते, गवर्नमेंट हमारे को, हमारे जो सर्वेंट्स काम करते हैं एक एक दुकान में 10-10 सर्वेंट है, सेठ है, सब है, उनका खर्चा गवर्नमेंट दे दीजिए, हम 3 महीने हमारी दुकानें बंद कर देते, उनको लगाने के लिए परमिशन दे दो आप 3 महीने की। सब कितने साल से 9 साल का बाजार है हमारा, साल में इतने वहाँ इस तरीके से, ठीक है 1-2-4 दुकान लगती है, हम उसके लिए कभी हमने किसी को कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन ये तो सीधा सीधा जो मतलब आप पूरा ब्लॉक कर रहे हैं, पूरी दुकानों का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं 100%। और जो तरीके से यहाँ पे देखिए मार्किंग की गई है, पूरी रातों रात मार्किंग, ये सीधा सीधा हम लोगों को हर्ट करने का काम कर रही है गवर्नमेंट। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हर लेवल तक हर तरीके का संघर्ष करेंगे, कोई भी सूरत में हम ये बर्दाश्त नहीं करें। नहीं, अगर गवर्नमेंट अगर सही है तो दिन में काम करती है, ये रातों रात मार्किंग करके ये सीधा सीधा हम लोगों को बदमाशी काम कर रही है, ये जुलूम है। सीधे सीधे हम रिक्वेस्ट ली, हम लोगों को कोई गलत काम नहीं आता। एटीआर साहब से निवेदन है कि हमारी मांग को समझे, हम कोई नाजायज नहीं मांग रहे, हम ये मांग मान रहे हैं कि जो भी लोग वहाँ से हटा रहे चार मीनार के पास से, वो यहाँ दुकान के सामने लगाने की जगह और कहीं शिफ्ट कर जगह। फिर क्या डिफरेंस है सर, आपकी दुकान इतने वेंडर्स नहीं है, अब जो दुकानें लग रही है, रोड अब तक भी कोई वेंडर्स परमानेंट नहीं था यहाँ पर, हम बराबर कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। ये तो हमारे पास ग्राहक नहीं आएगा तो हमारी रोजी रोटी कैसा चलेगी? हमारे परमानेंटली रोड, हमारे ज्वेलर्स एंड सराफा एसोसिएशन चार कमान की तरफ से मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, केटी रामाराव साहब जो सीपीपी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उन्होंने शहर का नाम बहुत ऊंचा किया है, फॉरेन में जाकर के फंड ला रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी तकलीफ़ को समझें, हमें थोड़ा समय दें, हम उनको एक अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, बैठ के बात करना चाहते हैं। वेंडर्स भाइयों के पेट पे लात पड़े हमारी ये बिल्कुल मंशा नहीं है, लेकिन हमारे पेट पे ऐसी लात ना पड़े जिससे कि हमको रोजी रोटी की तकलीफ आ जाए। हमारे पास हज़ारों वर्कर काम करते हैं, 10-20 हज़ार लोग हमारे पास जॉब देखते हैं, उन सबके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कोई काम ना हो आगे जाकर के लॉ एंड ऑर्डर को तकलीफ आए, यही है कि उनसे रिक्वेस्ट है। पर टेम्पररी आप बिठा रहे हैं, टेम्पररी की भाषा क्या होती है? टेम्पररी 2 महीने को भी कहते हैं, 2 साल को भी कहते हैं, उनके लिए पहले आप जहाँ भी उनका परमानेंट सोल्यूशन है वो कंप्लीट करिए, फिर वहाँ ले जाइए। जहाँ 20 साल प्रोजेक्ट डिले हुआ और 3 महीने 6 महीने डिले हो जाएगा, ऐसे आप उठा के वो वेंडर्स को, वो हॉकर्स को आप ज्वेलरी एसोसिएशन के सामने ला के